भाई मेट्रो स्टेशन पे क्या हो रहा है यहाँ? सही है भाई, इधर जोरदार है। तो मुंबई मुंबई व्हाट्स योर नेम बाय द वे? ओनिया। यू फ्रॉम बर्लिन? YouTube में कोई ऐसा वीडियो नहीं रहेगा, 100% गारंटी देता हूँ, जो ट्रेन का इतना डिटेल में इन्फॉर्मेशन दे रहा है। थोड़ा ये क्या है, अंदर कोई है कपल? बोल रहे अरे इट्स कॉमन, पसीना आ रहा है, देखो अच्छा लग रहा है। बर्लिन सच में पार्टी सिटी है, क्लब में एंट्री ना मिले तो मेट्रो पे नाचो म्यूजिक लगा के या फिर कैरियोके चालू करके। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक नए ट्रैवल एपिसोड में यूरोप सीरीज के। आज के दिन में हम ट्रैवल करने वाले जर्मनी। जी हाँ, हम बेल्जियम से ट्रेन पकड़ेंगे और जाएंगे जर्मनी। 8 घंटे का जर्नी ड्यूरेशन रहेगा क्योंकि जर्मनी दूर है, बर्लिन जाना है, बर्लिन दूर है एंड बर्लिन इज द कैपिटल ऑफ जर्मनी। हम बर्लिन में कुछ दिन गुजारेंगे बिकॉज वो स्पेशल होने वाला है। अब वो स्पेशल क्यों होगा वो मैं बर्लिन पहुँच के आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। एनीवेज अभी बस सेंट्रल स्टेशन जा रहा हूँ जो मेरे हॉस्टल से 2 मिनट की दूरी पर ही है। अभी बजे है सुबह के 8, मेरी 8:20 की ट्रेन है यहाँ से फ्रैंकफर्ट, जो कि 3 घंटा लगाएगी। फिर फ्रैंकफर्ट में आधा घंटा हॉल्ट है, मेरे को ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी। फिर फ्रैंकफर्ट से बर्लिन ये 4.25 घंटे की ट्रेन है, जबकि फ्रैंकफर्ट जर्मनी में ही है बता दूँ। तो टोटल ड्यूरेशन 8 घंटा लग जाएगा पहुँचने में बर्लिन। और ये मैं पहुँच गया ब्रुसेल के सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे। और बता दूं कि आज मेरा 3रा दिन है यूरो रेल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप लोगों को पता ही होगा कि मैंने 4 दिन की खरीदी हुई है, जिसमें से ऑलरेडी 2 दिन यूज़ हो चुके। 1 दिन तो पेरिस से बेल्जियम आया था ब्रुसेल्स, और फिर कल जब मैं ब्रुसेल से एंटवर्प गैंड ये सब जगह घूमने गया था, है ना। आज 3रा दिन उपयोग करूँगा पूरा, आई मीन जर्मनी पहुँचूंगा। फिर 4थे दिन का उपयोग कर रहा हूँ, जर्मनी से प्राग जाऊँगा वो। तो ये रही अपनी ट्रेन 8:23 फ्रैंकफर्ट। ये सेकेंड क्लास, मेरे पास सेकेंड क्लास का पास है ना, तो अपन सेकेंड क्लास में चढ़ते, देखते सेकेंड क्लास का कोचिस है कैसा। लग तो बढ़िया रहा है। हाँ, इसमें ऐसे सीट्स रिजर्व नहीं होती हैं जब आप पास लेते हो सेकेंड क्लास वगैरह। सीट्स रिजर्व करनी है तो ऊपर से 3,000-4,000 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ता है। सो दिस सीट इज़ फ्री, राइट? फ्री। अच्छा भाई साहब, तो इसमें ऐसा रहता है जब आप सीट्स बुक नहीं करते हो तो यहाँ पे देख रहे हो 2 चीज़ें लिखी है, यहाँ पे एक ही चीज़ लिखा है। यहाँ पे दोनों लिखा है ना, मतलब ये ब्रुसेल से कॉलन बुकड है और ये भी ब्रुसेल से कॉलन बुकड है, ठीक है। ये जो है ब्रुसेल से फ्रैंकफर्ट बुकड है विंडो वाली, ये कोई बुकिंग नहीं है तो मैं इधर बैठ सकता हूँ। सामान उधर मैंने टेक दिया अंदर, और इधर भी आप देखोगे तो ब्रुसेल से फ्रैंकफर्ट एक बुकड है, एक बुक नहीं है। हाँ, तो इधर भी बैठ सकता हूँ, सीट बढ़िया ही तो है। वाह वाह, क्या इन्फॉर्मेशन सब मिल रही है। YouTube में कोई ऐसा वीडियो नहीं रहेगा, 100% गारंटी देता हूँ, जो ट्रेन का इतना डिटेल में इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि कैसे सीट रिजर्व नहीं हो तो कैसे आप बैठ सकते हो वगैरह वगैरह। ट्रेनें अगर इतनी साफ हो ना तो ट्रैवल करने का भी मज़ा आता है, और 100-150 रुपया भी ज़्यादा लगे टिकटों का तो भी परवड़ता है। आई मीन 100-150 रुपया, आई नो इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट, मतलब बड़ा अमाउंट होता है काफ़ी लोग के लिए, तो 100-150 रुपया एक्स्ट्रा देना मतलब नेक्स्ट टू लाइक बहुत टफ रहता है यार। इतना आसान थोड़ी है, 100-150 रुपया कमाने में इतना टाइम लग जाता है यार। मेरे को खुद को मेरे दिन याद आते कि 100-150 रुपया कितना बड़ा अमाउंट है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पूरा साइकोलॉजिकल फैक्टर भी रहता है इस चीज़ में। मतलब जैसे जैसे आप सुधरते हो ना, इंप्रूव करते हो ना, आई मीन कचरा वगैरह नहीं फैलाओगे और 100 रुपया एक्स्ट्रा दोगे, तो अंदर से एक इच्छा आती है कि नहीं बाप रे अभी और मेहनत करनी है और पैसा कमाना है। मतलब वो पॉजिटिविटी चलती रहती है जिसकी वजह से इम्प्रूवमेंट हेल्प्स टू ग्रोथ। ये मेरा मानना है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं खुद कह रहा हूँ कि जैसे जैसे मैं इम्प्रूव होते गया मेरे को ग्रोथ मिलती गई। और काफ़ी सारे फ्रॉम ड्रैग्स टू रिचेस की स्टोरी भी देखोगे ना तो ऐसा ही कुछ होता है कि भाई इम्प्रूव करो तो ग्रोथ हमेशा मिलती है। इसीलिए मैंने ये डायलॉग मारा कि 100-150 रुपया एक्स्ट्रा देने का भी मन करता है अगर साफ सुथरी चीज़ों में या फिर अच्छी सर्विसेज हमें मिले। एनीवेज गाइस, पब्लिक जिस हिसाब से भाग रही है तो हमें भी भागना पड़ेगा ताकि के टाइम सर हम आगे की ट्रेनें ले सके, है ना। ओ बाय द वे, बातों बातों में एक बात तो कहना भूल ही गया, वेलकम टू कंट्री नंबर 3 ऑफ दिस यूरोप ट्रिप, जर्मनी। क्या मस्त ट्रेन है ना, ट्रेन आई मीन डब्बे दोनों जुड़े हुए, ऐसा लगता है किसिंग सीन चल रहा है। तो लो जी, आ गए बर्लिन के मेन सेंट्रल स्टेशन पे। यहाँ से 10 मिनट बाय ट्रेन है, मतलब ट्रेन चेंज करनी है नॉर्मल लोकल ट्रेन, और पहुँच जाएगी अपने होटल की तरह। जी हाँ, आपने सही सुना है, इस पूरे यूरोप ट्रिप में ना हर जगह मैंने हॉस्टल ही स्टे ले रखा है, बिकॉज ऐसी बात है हॉस्टल चीप सोलो ट्रैवलिंग के हिसाब से सही भी पड़ता है।
लेकिन ये तीन रात में बर्लिन में जो रुक रहा हूँ वो एक होटल है, और वो भी ऐसी तैसी नहीं, बहुत स्पेशल होटल है, वो मैं आपको वहाँ जाके ही बताता हूँ क्यों। पहले तो थोड़ी सी तारीफ बनती है स्टेशन के लिए, सही कह रहा हूँ, बहुत शानदार बनाया है, क्लीन है, बड़ा है, ग्रैंड है, मजा आ गया देख के। हाउ टू गो जुलिस्टर, जूलोकेशर, हाँ जूलोकेशर, उधर ही है मेरा होटल। ओके, विच ईयर? ईयर क्लास S3, स्पेंडाउ ट्रेन, यस S3, S3 नेक्स्ट ट्रेन इन 7 मिनट्स, राइट? ओके, थैंक यू सो मच, यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, दैट्स गुड। व्हाट्स योर नेम बाय द वे? ओनिया। यू फ्रॉम बर्लिन? या। एंड व्हाट अबाउट यू? एलिना। एलिना फ्रॉम बर्लिन एज़ वेल? नो, आई एम फ्रॉम स्टटगार्ट। स्टटगार्ट, ओके, इन जर्मनी ओनली? यस। ओके, बोथ आर जर्मन्स? या। वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम इंडिया। मुंबई? 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 नो, आई डोंट नो। यू डोंट नो? ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग। तो ये कुछ लोकल ट्रेन है ऐसी बर्लिन की, बस एक ही स्टॉप से आ जाएगा जूलोजिशर, जहाँ पे हमारा स्टे है। तो ये हम उतर गए जूलोजिशर गार्डन, और बगल में ही है बिकिनी बर्लिन, देखिए क्या। अब ये वाली होटल है कि वो वाली होटल है वो मेरे को नहीं पता, वो वहाँ जाके ही पता चलेगा, दोनों में से कोई तो एक है बिकिनी होटल मेरी। हाँ, नाम थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, आई नो, लेकिन जर्मन में बिकिनी का मतलब कुछ और होता होगा, आई डोंट नो कि क्या होता है, अगर आपको पता है तो कमेंट में लिख देना कि बिकिनी का मतलब क्या होता है जर्मन में। एनीवेज, मेरी होटल का नाम मेरे को पता है 25 आवर्स बिकिनी बर्लिन, अब दोनों में से पता लगाता हूँ कौन सी वाली है। मेरे को लगा ही था वो वाली होगी बिकिनी बर्लिन, प्यारी लग रही है, ऐसे लंबी चौड़ी है, मतलब पूरा ऐसे रहता है ना पैसेज, वैसा पूरा है, दूर तक है, इधर से तो इतना ही दिखेगा। और ये है जू पैलेस, बता दूँ कि जू से कनेक्टेड है तो काफ़ी सारे प्राणी वगैरह दिखने की उम्मीद है मेरे को, चाहे फिर वो मेरे रूम से हो, या फिर ब्रेकफास्ट करने जाओ तब हो, या फिर होटल से हो, आप बेसिकली कह सकते हैं। सामने एक चर्च है जो बहुत पुराना है, एकदम हैरी पॉटर वाला लुक दे रहा है ये भी। बता दूं कि जो होटल है ना, ये मैंने ऐसे ही देखा था रैंडमली कि कितने में मिल रहा है, तो 12-13-14 हज़ार रुपया प्रति रात का इसका किराया है, 4 स्टार या 5 स्टार है, मेरे को 3 रात का पड़ा है फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, मेरे को पूरा 3 रात यहाँ पे फ्री है। इसका कारण ये है कि विजिट बर्लिन टूरिज्म वालों ने स्पॉन्सर कर रखा है, ये मेरा स्टे हो गया, कल पूरा बर्लिन घुमाएंगे कुछ एक डेडिकेटेड गाइड देकर, तो ये सब चीज़ें क्या हो गया, तो ये मतलब काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं ये 3 दिन बर्लिन को लेके। और जर्मनी का तो मैं पहले से ही फ़ैन था, इसका कारण ये है ना कि बचपन में हम पढ़ते थे वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2, बहुत कम ईयर हुए वर्ल्ड वॉर 2 को भी, और उसके बाद भी देखो ना आज दुनिया की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ पावर, स्ट्रॉन्गेस्ट इसका पासपोर्ट है, वर्ल्ड के टॉप 3 में आता है, डेवलप्ड कंट्री में से एक है, मतलब इसके कारण मेरे को काफ़ी क्यूरियोसिटी था, फैसिनेटिंग सा था मेरे को, और इच्छा था जर्मनी आने का। वैसे अब बज रहे हैं दोपहर के 4:30, लेकिन अंधेरा तो ऐसे हो गया जैसे कि 7 बज गए हो, है ना। यहाँ पे सामने वर्ल्ड ऑफ एस्टोरिया, मतलब यहाँ पे सारे 4-स्टार 5-स्टार प्रॉपर्टीज ही मिलेंगे, तो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर भी फिर प्यारा लगता है। ये हर जगह बिकिनी बर्लिन, हर जगह बिकिनी बर्लिन लिखा है। मेरी सबसे ये मॉल है बिकिनी बर्लिन, क्या मॉल में रुका रहे क्या मेरे को? हाँ नहीं, मजाक कर रहा हूँ, ये मॉल से सटा हुआ ही है होटल, और 25 आवर्स एक ग्रुप है, जैसे ताज होटल्स वगैरह है ना, वैसे यहाँ पे 25 आवर्स एक चेन है होटल का, लग्जरी होटल्स का, और 25 आवर्स ये जो बिकिनी बर्लिन से सटा हुआ है, जिसके कारण इस होटल का नाम है 25 आवर्स बिकिनी होटल। एंड हियर वी गो, 25 आवर्स बर्लिन बिकिनी होटल, ये रही। दिस इज द रूम कार्ड, this one, black one, okay, understood. Yeah. I'm gonna get you the sauna bag. sauna bag, yeah, sure. सबसे बढ़िया चीज लगी है यार मेरे को सुनने में कि इसमें सोना भी है और वो फ्री है, कभी भी जा सकते हो, दोपहर के 4 बजे से चालू होता है रात के 11 बजे तक। मैं सोना इतना कभी गया ही नहीं हूँ, किया ही नहीं है, और जर्मनी का सोना बहुत नामचीन होता है, पता नहीं कैसा है क्या है, देखेंगे। बहुत सारे 5-स्टार प्रॉपर्टीज वगैरह में तो मैं रुक चुका हूँ, ताज प्रॉपर्टीज में भी रुक चुका हूँ, श्रीलंका इंडिया वगैरह में, है ना, लेकिन ये जो रूम है ना ये बहुत ही फैसिनेटिंग है, क्यूट है आप कह सकते हो। ये देखो, शुरुआत में ऐसा साइकिल वाइकल दिया है, मेरे को किटली विटली चाहिए थी वो तो है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे लॉकर से लेके मेरे लिए वेलकम कार्ड लिखा गया है, बहुत खूब, दिल खुश हो गया ये पढ़ के भी। अंदर कुछ सामान है कपल्स के हिसाब से, लेकिन अपन तो सिंगल है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये रूम पूरा कपल के हिसाब से ही है जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। उस तरफ शावर रूम है ऐसे खुले में, यहाँ पे बाथटब है, और बाथटब के बाजू में ही बेड है जो कि अगेन बहुत क्यूट बेड लग रहा है, मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा है कि भाई बाथटब के बाजू में बेड है ना। इस तरफ ऐसा झूला है,
आप झूल सकते हो। सबसे बेस्ट पार्ट यही है जो कि कल सुबह दिखने वाला है, ये रहा बर्लिन का सबसे बड़ा जू। ऐसे तो दिखेगा नहीं आपको, है ना, कल सुबह होगी जब धूप आएगी तब मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ से कि एनिमल्स भी दिखेंगे। जी हाँ, मजाक नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं झूला झूलते हुए एनिमल्स को देख सकता हूँ लाइव, तो मेरे को बहुत ही फैसिनेटिंग सा लग रहा है, सुनकर ही इतना अच्छा लग रहा है ना। तो लो जी भाइयों, ये हमने बना ली गर्मा गर्म खिचड़ी, इसको अभी खाते हैं, उसके बाद आराम करेंगे थोड़ा, फिर तैयार वैयार होएंगे, फिर एक बार स्पा का थोड़ा सा क्यूरियोसिटी है तो अपन स्पा में भी एक बार राउंड मार के आएंगे, है ना। ये बाथटब बढ़िया है, इसी में नहाऊंगा, क्योंकि टेम्परेचर आप अपने हिसाब से कर सकते हो गर्म पानी का। मस्त गरम गरम पानी करके ऐसा डुबकी मारूंगा ना, ओए होए होए, एकदम फ्रेश हो जाऊंगा फिर तो, है ना। बाकी असली सोना तो इसके अंदर है, मैं जाके आया, आप विश्वास नहीं करोगे, 1.5 मिनट रहा एग्जैक्ट, 90 सेकंड। क्यों? क्योंकि भाई साहब इतनी गर्मी, मतलब आप समझ जाओ 70 डिग्री टेम्परेचर के 60 डिग्री टेम्परेचर, मेरे को नहीं पता क्या था, सांस लेने को नहीं हो रहा इतनी गर्म। बोला ये क्या है, अंदर कोई है कपल? बोल रहे अरे इट्स कॉमन, पसीना आ रहा है, देखो अच्छा लग रहा है। बोला भाई हमको नहीं अच्छा लगता, मुंबई के है, रोज उधर पसीना आता है हमको, हमको नहीं चाहिए सोना ऐसा। ये भाई इस तरीके से होता है सोना, अब देख लो कोई नहीं है इसलिए। बाप रे बहुत गर्म है, इस तरफ चारकोल वगैरह फिर पत्थर जल रहे, बहुत गर्म है भाई, बहुत गर्म है, फोन खराब हो जाएगा। अब मैं मेरे होटल के 10th फ्लोर पे आ गया हूँ, जहाँ पे है ये मंकी बार। मतलब इस होटल में सब कुछ है, स्पा से लेके नाइट क्लब से लेके हर चीज है। हाँ जी गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू सेकंड डे ऑफ अवर बर्लिन जर्मनी। और आज मैं मतलब घूमने वाला हूँ जर्मनी, लेकिन अभी मैं आपको होटल का कमरा अच्छे से दिखाता हूँ। कमरा तो दिखा चुका था, लेकिन कमरे से जो नजारे ना वो आपको अच्छे से दिखाता हूँ। मैं नहीं बात कर रहा था जू, और जू में ढेर सारे हमें पंछी या प्राणी देखने का अवसर मिलेगा। बिल्कुल मेरे ठीक नीचे जो है वो बर्ड पार्क, जहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ अन्य टाइप के बर्ड्स। ओए होए होए होए, ये देखो कितना शानदार नजारा है। और इसके अलावा बात करूँ तो उस तरफ है चिंपैंजी, जो ऐसे घूम रहे थे, कब से मस्ती कर रहे थे, अभी वीडियो ले रहा हूँ तो बैठ गए, आराम फरमा रहे। तो दिखा क्या, देखो घूम रहा है। चलो तो सबसे पहले अपन ब्रेकफास्ट करने निकल जाते हैं पहले, वरना ब्रेकफास्ट 10:30 बजे बंद हो जाएगा, और अभी ऑलरेडी 10:45 हो चुके हैं भाई, आधा घंटा तो अच्छे से खाएंगे ना। ये रहा ब्रेकफास्ट का इलाका, रूफ टॉप आप कह सकते हो, 10th फ्लोर होटल का। प्रतीक जैन, अपन क्या खा सकते हैं भाई? अपन चीज़ वगैरह खा सकते हैं, जैम वगैरह खा सकते हैं, फ्रूट्स है बहुत सारे। और इस तरफ अगर मैं बात करूँ तो अरे वाह 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 वाह, अपना तो काम बन गया भाई, अपन तो भर के लेके जाएगा डब्बे में ये सब, मेरे को तो और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, इतने सारे ड्राई फ्रूट्स और इतने सारे अमेजिंग फ्रूट्स। हाँ ये ले लिया मैंने ढेर सारा ड्राई फ्रूट्स एंड यू नो सीड्स वगैरह, ये बहुत हेल्दी रहेगा, मज़ा आ जाएगा। तो ये मैं आ चुका हूँ एक शूज़ के दुकान में, ठीक है, और यहाँ पे रेट्स अगर बात करूँ शूज़ के, 10,000 के नीचे कोई शूज़ नहीं है, मतलब 100 यूरो के नीचे कोई भी शूज़ नहीं है, चाहे फिर वो लड़के के लिए लो कि लड़की के लिए। जैसे कि ये कितने का है भाई साहब, 229.95 यूरो, मतलब ये तो 20,000 के ऊपर का हो गया। बस ऐसे ही सब रेट से अगर मिनिमम की बात करूँ तो मेरे को 126 यूरो का ये दिखा था, आप देख सकते हो, जो कि 11,500 के भी ऊपर होता है। इससे तो सस्ता भाई कोई शूज़ नहीं है, बताओ। इनफैक्ट बच्चों के भी वो जो दिख रहे कॉन्वर्स के, वो भी 100 यूरो के आसपास के, मतलब इतना महंगा शूज़ मेरे को समझ के बाहर है। लेकिन जब मैं वज़न उठाया, मतलब फॉर एग्जांपल इसका वज़न है ना बहुत ज़बरदस्त है, हो सकता है इधर ठंड इतनी हो जिसकी वजह से इसकी क्वालिटी ऐसी हो, जैसे कि ये 199 का है, मतलब कह सकते हो 18,000 रुपये का शूज़ है, क्वालिटी ऐसी हो कि आपको ठंड ना लगे और एकदम प्योर लेदर है। ये मेरे को जैकेट का एक स्टोर दिखा बाजू में, यहाँ के रेट्स देख लेते हैं, मतलब जैकेट बहुत ही कलरफुल है, मेरे को कलरफुल चीज़ बहुत प्यारी लगती है। इसके रेट की बात करूँ तो भाई साहब कितने यूरो का है, हाँ ये भी 20,000 का जैकेट है। भाई साहब इधर मतलब यार 10,000 के नीचे तो बात ही नहीं हो रही है। ये मैं एक नॉर्मल सी शॉपिंग मॉल है, कोई बड़ी एकदम वैसी नहीं है, नॉर्मल सी होती है ना शॉपिंग मॉल, छोटी शॉपिंग मॉल वैसी है, उसमें मैं आया हूँ, तो उसमें ऐसे सब रेट्स है। अब ये हुडी है, ठीक है, हुडी का रेट क्या है भाई साहब, 63 यूरो, मतलब 6,000 का है। ये ग्लव्स कितने का लग रहे हैं बोलो, आई एम श्योर कि आपने अब तक तो अनुमान लगा ही दिया होगा जिस हिसाब से दूसरी चीज़ों के रेट्स है ना। ये ग्लव्स है 100 यूरो का, मतलब 9,000 रुपये के ग्लव्स है। भाई मेट्रो स्टेशन पे क्या हो रहा है यार,
सही है भाई इधर, हाँ जोरदार है ये तो। मेट्रो स्टेशन पे बर्लिन सच में पार्टी सिटी है, क्लब्स में एंट्री ना मिले तो मेट्रो पे नाचो म्यूजिक लगा के या फिर कैरियोके चालू करके। बस करो अभी, क्या रुलाओगे क्या? बाय बाय। मैंने बर्लिन में न जाने कितने मेट्रो राइड्स करे हैं, लेकिन मेरे को कोई टिकट मशीन या फिर वो गेट पे रहता है ना कि स्कैन किया वो गेट खुला फिर अपन एंट्री या एग्जिट करते हैं मेट्रो में, कोई भी दुनिया में से कोई भी कंट्री ले लो, इंडिया का दिल्ली का ले लो, मुंबई का ले लो, या फिर चाइना लो, जापान लो, पेरिस में लो, मतलब किधर भी आप जाओ, रशिया जाओ, पता है या तो टोकन मिलेगा आपको या फिर आपको पेपर टिकट मिलेगी, है ना, वो स्कैन करते हैं फिर वो खुलता है गेट फिर आप जाते। इधर बर्लिन में कोई गेट ही नहीं है, ना एंट्री के टाइम ना एग्जिट के टाइम और ना टिकट वेंडिंग मशीन है, मतलब कुछ नहीं है, ऐसा लग रहा है मेट्रो फ्री है। लेकिन गूगल में जैसे ही सर्च करता हूँ कि इज मेट्रो फ्री इन बर्लिन, तो बताता है नो इट्स वेरी रिलायबल बट इट्स नॉट फ्री। मतलब क्या समझ में नहीं आता है भाई कि फ्री है भी कि नहीं है। अभी फॉर एग्जांपल आप लोगों को समझाता हूँ मैं कि उधर मेट्रो थी, ठीक है, उधर से मैं आया, अब नीचे जाके मैं कनेक्शंस ले सकता हूँ किधर भी, है ना, वापस अगर कनेक्शन लेना हो तो, या फिर एग्जिट कर सकता हूँ इधर से, कोई गेट नहीं कुछ नहीं, देख लो कोई भी आ सकता है कोई भी जा सकता है।